यूपीएससी के 12वीं के परिणाम घोषित। गूगल के सर्च पेज पर भी देख सकते हैं नतीजे। उत्तराखंड बोर्ड के भी रिजल्ट जारी। कटक में जनता के सामने बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। 2019 में ओडिशा के पुरी से चुनाव लड़ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चार साल पूरे होने पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, जबकि कांग्रेस मना रही है विश्वासघात दिवस। पालघर लोकसभा उपचुनाव रैली के दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का विवादित बयान, योगी आदित्यनाथ के लिए कहे अपशब्द। और निपाह वायरस के चलते यूएई ने लगाई केरल जाने पर रोक। अब तक वायरस ने प्रदेश में ले ली है 11 से ज्यादा जाने।